राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि जब भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति का निर्णय लिया तो सब ओर चिंता की लहर दौड़ गई। भगवान बुद्ध ने सबको समझाया। अंत में उन्होंने प्रतिमोक्ष की व्याख्या करते हुए संसार को अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया। अब सुनिए आगे की कहानी। इस भाग का शीर्षक है महापरिनिर्वाण के बाद। भगवान बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद सारा संसार ऐसा लगने लगा जैसे बिना चंद्रमा के आकाश, पाले से मुरझाए कमलों का सरोवर, अथवा धन के अभाव में निष्फल विद्या। निर्वाण का समाचार सुनकर आकाश से देवतागण भी उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने लगे। उनमें से एक ने कहा, अहो, ये सारा संसार नश्वर है। जहां मृत्यु के लिए जन्म होता है और जन्म के लिए मृत्यु, जो जन्म और मृत्यु दोनों से मुक्त है वही भाग्यवान है। देखो, ज्ञान की ज्वाला तथा यश रूपी ज्योति को आज काल ने सदा के लिए शांत कर दिया है। किसी मुनि श्रेष्ठ ने अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा, ये संसार असार है, यहां सभी कुछ नश्वर है। जो सारे लोक का गुरु था वो भी आज काल कवलित हो गया। अंधकार में डूबे लोक को देखकर अनिरुद्ध ने कहा, इस लोक की गति कैसी विचित्र है। तथागत ने दुख मुक्त होकर तपस्या की, आलस्य मुक्त होकर धर्माचरण किया, लोभ मुक्त होकर योगाभ्यास किया, और अब मोह मुक्त होकर इस शरीर का भी त्याग कर दिया। जैसे बुद्धि के बिना विद्या, आचरण के बिना क्रिया, तथा दया के बिना धर्म निरर्थक होता है, वैसे ही शाक्य मुनि के बिना ये संसार आज व्यर्थ लग रहा है। भगवान बुद्ध के निर्वाण का समाचार जैसे ही मल्लू ने सुना, वे भी रोते हुए वहां दौड़े चले आए और विलाप करने लगे। फिर मल्लों ने मिलकर महामुनि के शव को स्वर्णमय सुंदर शिविका में स्थापित किया। विविध प्रकार की
सुगंधित फूल मालाओं से भक्ति पूर्वक पूजा की, शिविका को श्वेत कपड़े से ढका और चवर डुलाते हुए उसे अपने कंधों पर उठाया। भक्ति पूर्वक भगवान बुद्ध की शव शिविका को वे नगर के मध्य भाग में ले आए। फिर वे नगर के नाग द्वार से बाहर निकले और हिरण्यवती नदी को पार किया। उन्होंने मुकुट चैत्य के पास चंदन, अगरू तथा वलकल आदि से चिता बनाई और उस पर महामुनि के शव को रख दिया। दीपक जलाकर मल्लू ने चिता में आग दी, परंतु बार बार प्रयत्न करने पर भी चिता में आग नहीं लगी। भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य काश्यप अभी मार्ग में ही था, उसी के अभाव में चिता में आग नहीं लग पा रही थी। जैसे ही काश्यप दौड़ते हुए वहां आए और उन्होंने अपने गुरु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, चिता में स्वतः ही आग लग गई। चिता की अग्नि ने भगवान बुद्ध के शरीर के मांस, चर्म, बाल तथा अन्य अवयवों को जला दिया, परंतु उनकी अस्थियां यथावत बनी रहीं। उन्हें चिता की अग्नि न जला सकी। चिता के शांत हो जाने पर मल्लों ने भगवान बुद्ध की अस्थियों को शुद्ध जल से धोया और उन्हें स्वर्ण कलश में रखा, उसे अपने नगर के मध्य ले गए। लोगों ने महामुनि की प्रशंसा में स्तोत्र गाए। किसी ने कहा, इस खट में वेधातु अस्थियां स्थापित हैं, जिन्हें चिता की अग्नि नहीं जला सकी। किसी ने कहा, ये अस्थियां मंगलमय हैं, अमूल्य हैं, हम इन्हें यहां स्थापित कर रहे हैं जिससे संसार को शांति प्राप्त हो। किसी अन्य ने कहा, अहो, काल कितना निष्ठुर है, इसने महामुनि को भी नहीं छोड़ा, जिसके धर्म और यश से सारा चराचर जगत चमत्कृत है। बाद में मल्लों ने अस्थि कलश के लिए अत्यंत सुंदर पूजा भवन का निर्माण करवाया और उसमें अस्थि कलश स्थापित किया। कुछ समय तक मल्लों ने भगवान बुद्ध के अस्थि कलश की विधिवत पूजा अर्चना की, परंतु धीरे धीरे पड़ोसी राज्यों से दूत आने लगे और भगवान बुद्ध की अस्थियों को मांगने लगे। एक दिन 7 पड़ोसी राज्यों से दूत आए और उन्होंने अस्थियां मांगी, परंतु भगवान बुद्ध की अस्थियों के लिए मन में अत्यंत श्रद्धा होने तथा अपने बल पर अभिमान होने के कारण मल्लों ने भगवान बुद्ध की अस्थियां देने से मना कर दिया और वे लड़ने की तैयारी करने लगे। दूत लौट गए
और उन्होंने सारी बातें अपने अपने राजाओं से कही। दूतों की बात सुनकर पड़ोसी राजा भी क्रोधित हुए। उन्होंने मिलकर युद्ध करने का निर्णय किया। वे अपनी अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। पड़ोसी राज्यों की सेनाओं ने कुशपुर कुशीनगर को चारों ओर से घेर लिया और वे मल्लों को ललकारने लगे। पुरवासी मल्ल भी संगठित होने लगे। उन्होंने विविध प्रकार के शस्त्र अस्त्र धारण किए। वीरों की पत्नियों ने सैनिकों को तिलक लगाए और रणगीत गाए। सभी सैनिक सिंहों की तरह गरजने लगे और शंख बजाने लगे। इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार दोनों पक्षों को देखकर करुणा और दया से भरकर द्रोण नाम के एक ब्राह्मण ने सातों पड़ोसी राजाओं के पास जाकर निवेदन किया। राजन, बाहर के शत्रुओं को शस्त्रों से जीतना सरल है, परंतु परकोटे में बैठे शत्रु को जीतना सरल नहीं। यदि नगर को घेर कर अंदर के शत्रुओं को जीत भी लिया तो भी वो धर्म युद्ध नहीं होगा। इसे निरपराध नगरवासियों की हत्या ही कहा जाएगा। इसलिए थोड़ा सोचिए और शांति का उपाय कीजिए। शस्त्र से जीते गए मनुष्यों का मन फिर से कुपित हो सकता है, परंतु शांति के उपायों से जीते गए मनुष्यों का मन सदा के लिए शांत हो जाता है। आप लोग जिस शाक्य मुनि का सम्मान करना चाहते हैं उसी की आज्ञा से, उसी के उपदेशों के अनुसार शांति का उपाय कीजिए। द्रोण की बातें सुनकर सातों राजाओं का क्रोध कुछ शांत हुआ। उन्होंने द्रोण ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, आप सत्य कहते हैं। हम लोगों की धर्म में प्रेम में पूरी आस्था है, परंतु हमें अपने बल पर भी पूरा विश्वास है। हमने शाक्य मुनि में अतिशय भक्ति के कारण ही शस्त्र ग्रहण किया है। हम तो शाक्य मुनि की पूजा के लिए ही लड़ रहे हैं। यदि ये कार्य बिना युद्ध के हो जाए तो हमें कोई विरोध नहीं है। आप हमारे दूत बनकर जाइए और मल्लों को समझाइए। हमारा उनसे कोई वैर नहीं है। हम तो भगवान बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहते हैं। इस प्रकार पड़ोसी राजाओं से बात करके ब्राह्मण द्रोण कुशीनगर गए और उन्होंने मल्लों को समझाया। हे मल्लो, नगर के बाहर जो सात राजा अपनी सेनाओं के साथ खड़े हैं, उनके पास अमोघ आयुध हैं और उनका बल अजेय है, परंतु वे शाक्य मुनि के धर्म के कारण ही डरे हुए हैं। वे यहां राज्य प्राप्ति के लोभ से नहीं आए और न ही अहंकारवश आए हैं। भगवान बुद्ध जैसे आपके गुरु हैं, वैसे ही वे हमारे भी गुरु हैं और इन राजाओं के भी। इसलिए ये राजा भी शाक्य मुनि की अस्थियों की पूजा के लिए आए हैं। शाक्य मुनि का उपदेश है कि धन की कृपणता उतना बड़ा पाप नहीं है
जितना बड़ा धर्म की कृपणता है। राजाओं का संदेश है कि यदि आप भगवान बुद्ध की धातु अस्थियां नहीं देना चाहते तो नगर के द्वार से बाहर आइए और वीर अतिथियों का स्वागत कीजिए। द्रोण ने आगे कहा, ये इन राजाओं का संदेश है जो सद्भावना और साहस से भरा है। मैंने इनकी बातों पर धैर्यपूर्वक विचार किया है, अतः मेरी भी बात सुनिए। कलह से न किसी को सुख मिलता है और न ही धर्म होता है। शाक्य मुनि ने सदा क्षमा का उपदेश दिया है। जिस महामुनि ने क्षमा से स्वयं शांति प्राप्त की और हजारों लोगों को शांति प्रदान की, उस दयालु के निमित्त व्यर्थ रक्तपात उचित नहीं है। इसलिए आप लोग इन राजाओं को धातु प्रदान कीजिए, यही आपका धर्म है, इससे आपको यश मिलेगा। ये सभी राजा आपके मित्र हो जाएंगे और सारी जनता को शांति मिलेगी। द्रोण की बातें सुनकर मल्लों का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा, हे विप्रवर, आपके वचन बड़े कल्याणकारी हैं। आप हमें सन्मार्ग पर ले आए हैं। आपने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। इस प्रकार द्रोण के प्रयत्नों से विवाद का अंत हुआ। फिर सबने मिलकर भगवान बुद्ध की मंगलमय धातुओं को 8 भागों में बांटा। एक एक भाग प्रत्येक राजा को दिया गया और एक भाग स्वयं मल्लों ने अपने पास रखा। भगवान बुद्ध की अस्थियां लेकर सातों राजा प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने राज्यों को लौट गए। उन्होंने अपनी अपनी राजधानी में इन अस्थियों पर स्तूप बनवाए और उनकी पूजा की। द्रोण ने भी अपने देश में स्तूप बनवाने के लिए वो घट लिया जिसमें पहले सभी अस्थियां रखी थी। पिसल जाति के बुद्ध भक्तों ने भगवान बुद्ध के शरीर की राख ली। इस प्रकार प्रारंभ में श्वेत पर्वतों के समान 8 स्तूपों का निर्माण हुआ जिनमें भगवान बुद्ध की अस्थियां रखी थी। द्रोण के घट वाला नवा स्तूप बना और 10वां स्तूप बना जिसमें भगवान बुद्ध के शरीर की राख रखी गई थी। स्तूपों के निर्माण के बाद राजा, सामंत तथा अन्य सभी जन इनकी पूजा करने लगे। स्तूपों पर अखंड ज्योति जलती रहती थी तथा रात दिन घंटे बजते रहते थे। कुछ समय के बाद एक दिन राजगृह में 500 बौद्ध भिक्षु एकत्र हुए और भगवान बुद्ध द्वारा प्रवर्तित धर्म को स्थायी रूप देने के लिए उन्होंने विचार विमर्श किया। सभी भिक्षुओं ने मिलकर भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह करने का निर्णय लिया। आनंद सदा भगवान बुद्ध के साथ रहे थे और उन्होंने उनके मुख से
सभी धर्मोपदेश सुने थे, इसलिए सभी भिक्षुओं ने आनंद से निवेदन किया कि संसार के कल्याण के लिए वे सभी धर्मोपदेशों को दोहराएं। आनंद ने एवं मैं सुतम, मैंने ऐसा सुना है, इस तरह कहते हुए जैसा भगवान बुद्ध से सुना था वैसे ही क्रमशः प्रसंग, समय, स्थान आदि के साथ सभी धर्मोपदेश कहे। इस प्रकार आनंद तथा दूसरे वरिष्ठ भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध के धर्म शास्त्र का स्वरूप निश्चित किया। कालांतर में देवानाम प्रियदर्शी अशोक का जन्म हुआ। उसने जनहित के लिए बहुत से स्तूपों का निर्माण करवाया। इसके कारण वो चंड अशोक, धर्मराज अशोक कहलाने लगा। उसने धातु गर्भित स्तूपों से धातु लेकर अनेक भाग किए और उन्हें सैकड़ों स्तूपों में स्थापित किया। जब तक जन्म है तब तक दुख है, इसलिए पुनर्जन्म से मुक्ति के समान कोई सुख नहीं है। इसीलिए और कौन उतना पूज्य हो सकता है जितना कि वो जिन्होंने जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु से स्वयं मुक्त होकर सारे संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाया है। संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे एक कार्यक्रम। मूल कथा महाकवि अश्वघोष, आलेख प्रोफेसर माणिक गोविंद चतुर्वेदी, सहयोग प्रोफेसर अनिरुद्ध रॉय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार मंजू मैनी, नीरज शर्मा, शरद तिवारी और कीमती आनंद, तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार, तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े, ध्वन्यांकन अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।